अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो एजेंडा है वो हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। और लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिफरेंट तरह की सर्विसेज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह कंप्यूट कर सकते हैं। तो इस अब हमने देखा एक दूसरी अब नई टर्म आई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम किस तरह से विजुअल, सो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो आप अगर विजुलाइज करें इसको तो ये चीज़ बन रही है। सो नेगेटिव चार्ज में आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स पॉइंटिंग इनवर्ड जो लाइंस की डायरेक्शन है, और पॉजिटिव चार्ज है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे दो पार्टिकल्स एक दूसरे को एक फील्ड के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप, सो पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज माइन इन इनवर्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आपने विजुलाइज करनी है तो ये कंसेप्ट आपने जहन में रखना है कि जो लाइंस की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होती है। सो ये वही चीज़ें ये आप देख सकते हैं। ये एक जो है एप्लेट है, हैज़ इश्यूज विद कैलकुलेटिंग द करंट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और द आइडिया इज ओके। सो ये बेसिकली आप इस केस में आपके पास जो चार्ज है वो उसकी जो पोटेंशियल है वो चेंज है। अब जो पॉजिटिवली चार्ज है उस पे जो चार्ज है वो 2e है और जो नेगेटिव चार्ज है वो -1e है। तो उससे जो देख सकते हैं कि जो फर्क पड़ रहा है वो क्या है, वो इस तरह की शेप बनेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे वो आउटवर्ड जा रही है और इनटू आ रही है नेगेटिव चार्ज में। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं, ये एक एप्लेट है। ठीक है, सो ये डिफरेंट एप्लेट्स हैं, इन लिंक्स पे पड़े हुए तो आप जाके देख सकते हैं। ये डिफरेंट एप्लेट चार्ज की डायरेक्शंस और चार्ज के साइज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू।